गाइस, दिस इज़ घनघोर घाट और यहाँ पर मैंने अपनी डी एन जीजू का प्री वेडिंग शूट क्लिप ऐड किया है बिकॉज मेरे पास घनघोर घाट की ज़्यादा क्लिप्स नहीं हैं क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई थी क्योंकि हम एकदम सुबह सुबह गए थे, दैट्स व्हाई, बट जितने भी है सो हियर इट इज़। हाय गाइस, सो आज है डे टू और हम पहुंच गए हैं हमारी सेकंड लोकेशन पे और इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा है। ये हिल स्टेशन टाइप का है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है और इसका मैं पूरा व्यू आपको दिखा देती हूँ। और पीछे शूट चल रहा है मेरी दीदी का, आप देख सकते हैं, तो इसका मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ और इसका जो भी नाम है मैं उसको मैंशन कर दूँगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो आज है डे थ्री और आज हमारा लास्ट डे है उदयपुर में और आज हमें चार लोकेशन कवर करनी है शूट के लिए। सो अभी शूटिंग चल रही है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि आज ड्रोन एंड ऑल सबसे शूट हो रहा है, इसलिए शूट चल रहा है। सो मैं यहाँ पर बैठी हूँ और अभी मैं आपको यहाँ का पूरा लुक दिखाती हूँ कि कैसा है। और हम हैं पुरोहितों का तालाब में, आई गेस, अगर मैं गलत होंगी तो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी नेम, तो मैं आप लोगों को पूरे व्यू दिखाती हूँ। सो गाइस, दिस इज़ द पुरोहितों का तालाब एंड मैं इसका भी अच्छे से व्यू नहीं ले पाई थी जिसके लिए मैं ड्रोन वीडियो ऐड कर दूंगी अपनी दीदी अंजीजा जी के प्री वेडिंग शूट का। सो हियर इट इज़। सो गाइज, दिस इज द सहस्त्र बहु टेम्पल फ्रॉम उदयपुर, जिसे यहाँ पर सास बहु टेम्पल भी कहा जाता है। एंड इस टेम्पल में कोई भी किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है, ये सिर्फ पुरानी इमारत है जो कि प्री वेडिंग शूट के लिए यूज होती है इन अ ट्रेडिशनल वे। लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल शूट ही प्रेफर करते हैं और वही करवाते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स ये टेम्पल स्ट्रक्चर का है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है। प्लस यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी प्री वेडिंग शूट के लिए, सबका नंबर लगा हुआ था कि इसके बाद हमारा, इसके बाद हमारा। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे दी एंड जीजा जी का प्री वेडिंग शूट इस लोकेशन पर। तो गाइज, ये है हमारी थर्ड लोकेशन लाल बाग उदयपुर का एंड यहाँ पर हमें आना नहीं था बट हम आ गए और जब आ गए तो हमें पता चला कि हमारी दीदी ने तो कपड़े ही नहीं लाए हैं यहाँ के शूट के हिसाब से। देन मैंने सोचा कि जो मैंने सूट पहना था तुम वही पहन के और यहाँ पर मतलब शूट करवा लो। देन हम दोनों वॉशरूम गए, मैंने चेंज किया, उसने चेंज किया, फिर फाइनली जाके हमारा यहाँ पर शूट हुआ। यहाँ पर ज़्यादा टाइम का शूट नहीं था, 10-15 मिनट का ही शूट था। देन हम चले गए अपनी लास्ट लोकेशन पे। सो गाइस,
गाइस आज हम अपनी लास्ट लोकेशन पे जो है आई डोंट नो द नेम बट मैं मेंशन कर दूंगी और आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। मैं इसका पूरा व्यू आपको दिखाऊंगी अभी। भैया मैं बोलू था 48 क्लोज करना। यस 1 2 3 यस 48 क्लोज करो। 48 क्लोज है और अभी हम जा रहे हैं दिल्ली और अभी बजे हैं सुबह के आई थिंक 6:30-6:30 बज रहे हैं और हमारी अभी फ्लाइट है। हमारी फ्लाइट एक्चुअली 9 बजे की है बट हम जल्दी आ गए क्योंकि ऑफकोर्स जल्दी आना पड़ता है। और ये मेरे जीजा जी और ये मेरी दीदी। ग्लास के अलावा उसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है। हाँ मेरे जीजा जी को कंजक्टिवाइटिस हो गया इसलिए उन्होंने ग्लास लगाया है और अभी हम जा रहे हैं। आज हमारा लास्ट डे था। तो कैसा लगा उदयपुर में? It was great fun. Great fun. Yeah. हम फिर आएंगे। तो गाइस हम एयरपोर्ट के बाहर हैं हम और हवाई फ्लाइट डिले हो गई है। मतलब हम लोग जैसे ही यहाँ पहुंचे हमने टिकट दिखाई है हमको अंदर चेक इन करना था वैसे ही हमारे पास मैसेज आता है कि फ्लाइट हमारी डिले हो चुकी है। जो फ्लाइट हमारे 9 बजे की थी वो फ्लाइट हमारी 3 बजे की हो गई है और हम एयरपोर्ट ऑलरेडी पहुंच चुके थे एंड अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करेंगे कहाँ जाएंगे बिकॉज अंदर जाके तो इतने टाइम तक बैठना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। सो देखते हैं अभी हम यहाँ से कहाँ जाएंगे क्या करते हैं। सो यस की सुरक्षा के लिए निवेदन है कि आप दरवाजे से दूर रहें और अपने बच्चों और निजी सामान का ध्यान रखें। इंडिगो की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे फिर मिलने की आशा करते हैं।
होप आप लोगों को उदयपुर का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, होप आप लोगों को उदयपुर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों में से अभी कोई उदयपुर नहीं गया है तो प्लीज 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 जाइएगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।